he can. He can. संभल कर भाई, संभल कर। कौन तुम? तुम कौन हो भाई? मैं हूं भोला। भोला, इस सुनसान जंगल में कैसे चले आए भाई मेरी मदद करने? मदद करना तो हर मनुष्य का कर्तव्य है भाई। तुम भोले भी हो और भले भी, लेकिन तुम काम क्या करते हो भोला? मेरा काम तो है भटके लोगों को सही राह दिखाना, और जो तुम्हारी तरह कष्ट में फंसे हों उन्हें उस कष्ट से निकालना। पर भक्त, बिना आंखों के तुम इस घोर जंगल में किसे ढूंढने जा रहे हो? भोला, जब शिवजी ने तुम्हें इस सुनसान जंगल में मेरी सहायता करने के लिए भेज दिया है तो मुझे चिंता किस बात की? भोला, मेरे शिवजी को एक भक्त की आंखों से देखो। जहां भक्त होता है वहां भगवान पहुंच जाते हैं। तुम सचमुच एक महान भक्त हो। एक बात बताओ, मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए तुम्हारे साथ रह सकता हूं? हां भोला, आओ। जय भोले शंकर, जय भोले शंकर। हाँ, तो आप बता रहे थे कि गिरिजा देवी के शाप ने आपको अंधा बना दिया, वो क्यों? उनकी मर्जी। और शिवजी ने आपको दर दर भटकाया? हाँ, उनकी माया। फिर उनकी भक्ति करके आपको क्या लाभ मिला? मैंने लाभ देखा ना हानि। मैं तो केवल उनकी भक्ति को जानता हूं। एक कृपा और कर दो मेरे भाई। कृपा नहीं, सेवा, आज्ञा कीजिए। भाई, मुझे आज 16 सोमवार का व्रत आरंभ करना है, उसके लिए पूजा की सामग्री ला दो। अभी लाता हूं। बाबा, ये लीजिए। इतना शीघ्र ले आए? जब भगवान फल देने में विलंब नहीं करते तो फिर हम सेवा करने में क्यों विलंब करें? तुम भी मेरी ही तरह हो भोला। भोलेनाथ तुम्हें सुखी रखे। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम। बड़ी विचित्र बात है। क्या कहा भाई? यही कि जो आपको इतना दुख देते हैं आप उन्हीं को इतना चाहते हैं? ना ना, मेरे भोलेनाथ को ऐसा ना कहो भाई। मैं उनकी याद में भूल चुका हूं कि दुख क्या है और सुख क्या है। आप जैसे मनुष्य को भुलाना सचमुच भगवान की भी भूल होगी। पर यह बताइए कि आपके लिए भगवान ने किया क्या है? क्या नहीं किया है मेरे भाई? मुझे मनुष्य जीवन देकर क्या कम उपकार किया है उन्होंने? तो मनुष्य बनकर क्या आपको मनुष्य जन्म का सुख नहीं भोगना चाहिए? जिसके लिए सुख और दुख दोनों समान हो वो क्या सुख भोगे और क्या दुख? ओम नमः शिवाय। 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 बोला। हाँ बाबा, तू आ गया? जी। आ मेरे पास बैठ, मैं तुझे अपने भोलेनाथ का एक प्रसंग सुनाता हूँ। सुनाइए बाबा। जानते हो भोला, मेरे भोलेनाथ कितने ऑर्डरदानी हैं। जिस पर प्रसन्न होते हैं उसे कुछ भी दे देते हैं। एक बार भस्मासुर ने उनकी तपस्या करके उनसे ऐसा वर मांग लिया कि वो जिसके भी सर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। अच्छा? और वो असुर ये वर मिलते ही उन्हीं पर झपट पड़ा। ओ हो 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 हो। और वो जो भगवान विष्णु मोहिनी का रूप लेकर उन्हें बचाने ना जाते तो उन्हें भागने का रास्ता ना मिलता। भगवान विष्णु ने कैसे बचाया बाबा? मोहिनी का रूप लेकर उस असुर का मन मोह लिया और उसे अपने साथ खूब नचाया। नाचते नाचते वो असुर इतना खो गया कि उसने अपने ही सर पर हाथ रख लिया और स्वयं भस्म हो गया।
तो क्या सचमुच ऐसा हुआ था? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? बोला नहीं। वाह भोलेनाथ जी, तो अब आपको ये भी करना पड़ता है। ना तुम मेरे भक्त को अंधा बनाती और ना मुझे ये सब करना पड़ता। आप तो भक्त की सेवा में इतने मगन हो गए कि मुझे भी बुला बैठे। और कब तक ये सेवा करते रहेंगे स्वामी? जब तक तुम अपना अभिशाप वापस लेकर उसकी दृष्टि उसे नहीं लौटा देते। बीता हुआ समय और दिया हुआ शाप लौटाया नहीं जा सकता स्वामी। तो फिर मैं कैसे लौटाऊं देवी? अच्छा, तो अब आप बीता हुआ समय हो गए। नहीं देवी, जो अनादि और अनंत होता है उसके लिए सब कुछ संभव होता है। तो आप अपना हट नहीं छोड़ेंगे? तुम अपना हट छोड़ दो, हम भी अपना हट छोड़ देंगे। अच्छी बात है। तो आज आपके भक्त के 16 सोमवार पूरे होंगे और आज का दिवस आपकी भक्त सेवा का अंतिम दिवस होगा। जय श्री देवी की इच्छा। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ। भोला भोला, ये लो बाबा, मैं ले आया पूजा की सामग्री। लाओ ये लो दूध। भोला, तुमने 16 सोमवार का मेरा व्रत पूर्ण करने में जो मेरी सहायता की है उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं। ये लो। लो बाबा दही। तुम्हारा उपकार है मुझ पर भोला। अरे बाबा, भगत न होता तो भगवान को कौन पहचानता? भगत है तो भगवान है। ये लो मधु। हाँ, तुम ठीक कहते हो भोला। जल अभी लाया बाबा, अभी लाया। भूल गया। ले लीजिए बाबा, जल लाओ। बोला, कभी तुम पर भी कोई आपत्ति आन पड़े तो तुम भी 16 सोमवार का व्रत करना, भोलेनाथ भला करेंगे। जय भोलेनाथ। ये लो, आज मेरे 16 सोमवार के व्रत की पूर्ण आहुति हुई। बोला, बोला 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 बोला, तुम ये गंगा जल लाए कहां से? बोला बोलो ना। बोला तुम बोलते क्यों नहीं? बोला तुम गंगा जल लाए कहां से? बोला बोलो ना। बोला तुम्हें मेरे भोलेनाथ की सौगंध। बोला बोलो ना। बोला बोलो ना। बोला तुम ये गंगा जल लाए कहां से? बोला बोलो ना। बोला ये क्या, मैं देख सकता हूं? ये कैसा चमत्कार? मेरी आंखें, ये तो भोलेनाथ के पद चलने लगते हैं।